हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड स्टे होम एंड बी सेफ। सो स्टूडेंट्स, क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 हमारा इंटीजर चल रहा था अभी तक, ठीक है। इंटीजर से चल रहा है, एक्सरसाइज नंबर 1.2 तक हमने कंप्लीट कर दिया है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। उसके मैंने दो क्वेश्चन यहां बना दिए हैं, आज दो समझाऊंगा मैं, आप ध्यान से समझिएगा। पहला जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे डिवाइड हम करते आ रहे बचपन से, है ना। यहाँ पे जो नंबर होता है वो हमारा डिविडेंड होता है। क्या होता है वो? डिविडेंड होता है। यहाँ जो नंबर होता है वो हमारा डिवाइजर होता है। क्या होता है? डिवाइजर। और ये बीच वाले नंबर को हम डिविडेंड कहते हैं, ठीक है। उसी तरह ये जो इस साइड का जो नंबर आता है वो हमारा कोएफिशिएंट कहलाता है। क्या कहलाता है? कोएफिशिएंट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमको यही पता पूछा गया है कि आप क्वेश्चन निकालिए, यानी कि आपको ये क्वेश्चन निकालना है। क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन कहते हैं डिवाइड में जो आंसर यहाँ आता है उस आंसर को कहते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो आज हम वही करेंगे। तो आप डिवाइड करके भी कर सकते हैं और चाहे तो डायरेक्टली अगर आपको आंसर कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे डिवाइड का साइन भी लगा हुआ है, इसमें 45 डिवाइड माइनस 9, ठीक है। तो आप डिवाइड कौन क्या है अपॉन में भी लिखते हैं इस तरह से, है ना। इसका मतलब भी डिवाइड ही होता है और साइन का मतलब भी। तो मैंने इसको इस फॉर्मेट में लिख दिया। यहाँ माइनस है तो माइनस क्या है, यहाँ 9 में माइनस रहेगा मतलब, है ना। और दोनों में से किसी भी एक नंबर में अगर माइनस होता है तो क्या होता है, अगर दोनों में से एक नंबर माइनस का होता है तो आंसर हमारा माइनस का ही आएगा, ठीक है। अगर ऊपर और नीचे दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से माइनस कट जाएगा। डिवाइड और अच्छी तरह है माइनस माइनस, अगर दोनों नंबर माइनस होते हैं वो कट जाते हैं इनटू और डिवाइड में, प्लस माइनस में नहीं। तो यहाँ माइनस है, ठीक है। 9 × 45 हमें पता है कितने बार आता है, 95 × 45 होता है। तो हमारा आंसर जो आ रहा है वो आंसर आ रहा है 5। और एक तरफ माइनस है वही ऊपर हो या नीचे, हमारा आंसर माइनस का रहेगा। इसका आंसर होगा -5। इस टाइप से करना है। अगर आपको ऊपर नीचे इस टाइप से काटने में प्रॉब्लम आती है तो आप सिंपल डिवाइड कर सकते हो। सिंपल डिवाइड के इस टाइप के फॉर्मेट में, जैसे कि 45 और 9 था हमारा नंबर, तो 9 बार 45 अंदर, 9 की टेबल में 45 5 टाइम आता है, 9 बार जब 45 देख लिए। इस तरह भी फॉल तो आंसर तो सही आ रहा है, हमने 5 ही लिखा है। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि दोनों में से एक के पास माइनस है। अगर दोनों के पास माइनस होगा तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाता, कट जाता। बट यहाँ पे एक के पास था, अगर दोनों में से एक के पास भी माइनस है तो आंसर माइनस में रहेगा। ओके स्टूडेंट, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। इसी का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट भी मैंने दिया है आपको सॉल्व करने के लिए, देखिए इसको भी हम इस टाइप से करेंगे। यहाँ पे भी देखिए, दोनों के पास माइनस नहीं है, एक के पास ही माइनस है। आपका जो थर्ड पॉइंट है वो आपका दोनों के पास माइनस है, तो आप उसको उसमें क्या करोगे, दोनों का अगर माइनस है तो माइनस कैंसिल आउट हो जाता है, तो आपको उसमें माइनस कैंसिल आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक के पास ही है तो एक के पास ऐसे ही करेंगे दोनों। अगर माइनस ऊपर, सपोज यहाँ मैं 9 भी माइनस का ले लेता, आपको माइनस वाला भी समझा देता हूँ। अगर ये भी माइनस का होता तो हम क्या करते हैं, माइनस से माइनस काट देते हैं और ये माइनस कट जाता और ये नंबर किसका बन जाता, प्लस का बन जाता। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है दोनों माइनस है तो आपको क्या करना है, माइनस माइनस काट के प्लस का बनाना है, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन में एक ही माइनस का है, ये माइनस का नहीं है। अब 9 की टेबल से 243 कितना टाइम जाता है, डायरेक्ट काट सकते हैं तो बेटर है, नहीं तो आप डिवाइड करिए। डायरेक्ट काटने का तरीका क्या है, 9 से हम पहले 24 को काटेंगे, तो 9 की टेबल 24 तो आता नहीं है पर 18 आता है 2 टाइम। तो मैंने काटा 9 टू जा 18, तो 24 में से 18 माइनस हो गए। मैं ये भी समझा रहा हूँ, वो भी समझाऊंगा। अब 24 में से 18 तो हमने माइनस कर दिए क्योंकि 9 टू जा 18 कट गए। अब बचे कितने, 24 में से 18 गए तो 6 और 3 63 होता है, तो 9 7 जा 63। तो इस तरह से पूरा नंबर कट जाता है, ठीक है। अगर आपको इस तरह से नहीं आता तो आप साइड में रफ कर सकते हो। ये जो काम है ये रफ वर्क होगा डिवाइड वाला, है ना। ये यहाँ पे हमें शो नहीं करना है, इसको आप एक मार्जिन लाइन खेल के साइड में रफ वर्क में करेंगे। तो 243 इसको हमें किससे करना था, 9 से, तो हम करेंगे 9 टू जा 18 इस तरह से करते हैं। अभी जो मैंने 18 बोला, 24 में से 18 में 6 बचे 3, 9 7 का होता है हमारा 63। तो इस तरह से 63 में से 63 गए 0, तो 27 आंसर आ रहा है, यहाँ पर 27 आ रहा है। इसका मतलब चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे, आंसर तो वही आना है, बट आपको जो इजी लगे आप उस तरह से करिएगा। 27, अब मैंने कहा था दोनों में से एक का अगर माइनस है तो आंसर हमेशा माइनस में रहेगा। ये आपका सेकेंड हो गया फर्स्ट का, ठीक है। इसके जो बाकी पॉइंट्स है 3, 3rd, 4, 5, 6, 7, यहाँ मैंने लिख दिया 7, सॉरी
26 तक थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स आपका होमवर्क रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सिंपलीफाई। सिंपलीफाई में क्या करना है, सिंपलीफाई यानी सॉल्व करना होता है। अब देखो इस टाइप का अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है सिंपलीफाई का, तो हमें पहले सबसे पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करना है। ये भी ब्रैकेट है बट ये जो बड़ा ब्रैकेट है पहले इसे सॉल्व करेंगे। ये दोनों नंबर इस बड़े ब्रैकेट के अंदर है तो हम पहले इसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमने सब बोर्ड मार्क्स का नियम आपने पढ़ा होगा, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन एंड सबट्रैक्शन। तो सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ होता है, हम ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे। तो 49 इसको हम रफ में करेंगे ना, यहां पे सो नहीं करना हमको डिवाइड बाय करके। तो माइनस का 49 है और प्लस का 7 को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो आपको पता ही 49 7 के 12 7 9 आता है 7 7 49। तो हमें वो ऊपर नीचे इस तरह से लिखना नहीं है, आप इसको रफली कर लीजिए कि भाई 49 को 7 से मैं माइनस करूंगा तो कितना टाइम लगेगा, 7 7 जब 49 सॉल्व 7 से कटता है। तो इन दोनों का जब डिवाइड हुआ 7 से 49 में, 7 ने 49 को जब काटा तो 7 आंसर आया। अब दोनों के पास माइनस होता तो मैंने कहा था माइनस माइनस कट जाता, बट यहाँ तो एक के पास ही माइनस है तो हमारा आंसर जो है माइनस 7 आ रहा है। अब ये ब्रैकेट हमने सॉल्व कर दिया पूरा, ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया। तो ये माइनस का 7 है, माइनस के नंबर को हम ब्रैकेट में रखते ही है, जैसे ये माइनस वाला ब्रैकेट में है, फिर डिवाइड के बाहर वाला ये माइनस 7। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या कहा था कि जब दो माइनस हो यहाँ पर आगे दो माइनस वाला, अब आपको ये भी समझ में आ जाएगा दो माइनस हो तो क्या करना है। यहाँ देखिए दोनों माइनस के, तो दोनों माइनस ही नहीं, माइनस और माइनस दोनों आपस में कट जाएंगे। अब कटते हैं जब बीच में डिवाइड है इनके पास आए प्लस और माइनस में नहीं, तो ये माइनस माइनस कर दिया तो ये दोनों 7 जो है प्लस के बन गए। अब प्लस के बन गए तो 7 से 7 डिवाइड किसके पास जाता है, 1 टाइम जाता है 7 से 7, तो 7 को 7 से डिवाइड करने पे आंसर 1 आता है। हमारा आंसर 1 आ गया, यही हमारा आंसर, वो भी प्लस का 1 क्योंकि माइनस माइनस कट गया। अगर एक माइनस होता तो ये माइनस का 1 आता। तो स्टूडेंट इस हिसाब से आपको करना है क्वेश्चन सिंपलीफाई के और फर्स्ट क्वेश्चन फंडा क्वेश्चन के। यहां पे मैं क्वेश्चन पूछा था क्वेश्चन निकाल दिया, यहां पे सिंपलीफाई में थोड़ा लंबा सवाल था तो मैं सिंपलीफाई कर दिया। इसके भी टोटल 4 पॉइंट है, मैंने फर्स्ट पॉइंट करवाया है और यहां नोट डाउन किया, देखिए सेकंड थर्ड फोर्थ ये आपका होमवर्क रहेगा, इसका रिमेनिंग जो पार्ट है। तो आज के लिए इतना ही, आप ध्यान से करिएगा समझिएगा, अगर कोई चीज समझ में नहीं आती तो आप मुझे कमेंट करिएगा, फॉर्म मतलब जो मैसेज करते हो आप उससे आप पूछ सकते हो कि सर ये वाला मेरा सॉल्व नहीं हो रहा, तो मैं उसका सॉल्यूशन भी दे दूंगा। बाकी का जो भी डाउट है वो तो क्लास में जब हमारे क्लास चालू होगी तब सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आप ये नोट डाउन कर लीजिए, ये आपका सीन डब्ल्यू वर्क रहेगा और जो इसके रिमेनिंग पार्ट है वो मैंने वहाँ नोट डाउन किए हुए वो आपका होमवर्क है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।